बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तकरीबन सुबह का टाइम है, तक 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:30-7:45 का टाइम है। तो मैं बाहर निकला हूँ, ज़मीन की तरफ आया था, क्यों इधर रूटर वेटर फिरा जाएगा अभी। तो मैंने कहा चलो इस बहाने कुछ वीडियो भी बनेगी और मेरी कुछ सैर भी हो जाएगी बाहर की। क्यों सुबह के वक़्त निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्यों नमाज के बाद जो नींद आती है वो बहुत मज़े की होती है। तो लेकिन आज हिम्मत करके निकला तो हूँ, कभी कभार निकला जाता है। तो बस अभी तक ट्रैक्टर जो आना था वो अभी तक आया नहीं है, उसका इंतज़ार होगा इधर ही। तो कुछ देर टाइम पास करते हैं, इतनी देर में आ जाएगा, फिर वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। ये देखें, ये कल सफाई करवाई थी, बन्ने वगैरह की सफाई होती है रूटर फिरने से पहले। ये देखें, ये मुकम्मल सेडें साफ़ करवाई थी। तो रास्ता तो किसी तरफ से भी नहीं है ट्रैक्टर आने का, कि चारों तरफ से बंद है। तो इधर से कुछ इजाज़त ली है हमने कि ये जो ज़मीन है इसमें से कुछ गुजारा करेंगे निकालने का, तो उधर से होके फिर इधर से आएगा ये ट्रैक्टर। जब आएगा फिर दिखाएंगे कैसे लेके आते हैं। अभी तकरीबन ट्रैक्टर को काफ़ी देर थी, तो कॉल करके अभी पता किया था, इस वजह से वापसी का कुछ इरादा किया हुआ है, वापस जा रहा हूँ घर में। क्यों जब वो आएगा फिर आ जाएंगे, क्यों इतना जितना उसने टाइम बताया वो काफ़ी टाइम बताया उसने कि 1.5 घंटा लग जाएगा। तो इतना टाइम इधर इंतज़ार करना मुश्किल होगा। मैं तो वैसे ही निकला था, क्यों रात उसने बताया था कि सुबह फर्स्ट टाइम नमाज के फौरी बाद काम कर देंगे। तो अभी वो कहीं काम गया हुआ है, तो इस वजह से उसको थोड़ी सी देर हो जाएगी। ये अब आया ट्रैक्टर, ये खड़ा है। अभी रास्ता बनाएंगे, रास्ता नहीं है। ये देखें, सुबह से जो ट्रैक्टर ने टाइम दिया था वो इनकार कर गया था, क्यों उसका कोई ट्रैक्टर का प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं आ सका। और इनका भी प्रॉब्लम था, दोपहर इनसे बात हुई थी, ये अभी ठीक करवा के फिर लेके आए हैं। तो शाम का वक़्त हो रहा है, तकरीबन 5:30 का टाइम है, 5:15 का टाइम हो रहा है। ये देखें, तो अभी तकरीबन थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, इसमें पहले खाद गिराएंगे, फिर उसके बाद ये फेरेंगे, हल वगैरह सा है, रूटर नहीं है, हल है, तो वो फेरेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आप दोस्तों को क्या बनता है आज। ये इधर से लेके आएंगे, क्यों उनकी फसल का भी ख्याल किया जाएगा और लेके तो आना ही है। क्यों इधर शलजम बीजे हुए हैं, ये शलजम की बिजाई हो रही है मुकम्मल, तो इस वजह से उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। इजाज़त तो उन्होंने दे दी थी। ना की कहते हैं, मैं 2 बारी कॉल की, मैं क्या पूछ ला, मैं उदो सुता पिया सी, तू कॉल की ना, मैं उठ के देखी है सुबह जाना।
ठीक। हमने पानी भी अभी लगाना है, यू पानी लगा के उसका जो बरसीन का बीज है वो गिराएंगे। अभी तो खाद और दूसरा बीज केड़ा सीटे समान दूसरा जवी का गिराया है साथ, तो अभी तो हल फेरा जा रहा है, उससे फारोग होकर पानी लगाएंगे, फिर उसके बाद जो बरसीन का बीज है वो गिराएंगे। ये देखें, ये पानी की भी तैयारी साथ साथ हो रही है। घोड़िया की नस्ल केड़ी है? ये अभी 12 चलेगा। चलना तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी पानी अभी शुरू हुआ है लगना, तो पानी लगने में तकरीबन 1.25 घंटा लग जाएगा, तो बस अभी ये काम मुकम्मल करके फिर ही कर जाएंगे, वैसे तो नहीं जा सकते हैं। ये अभी शुरू हुआ है पानी, ये देखें ये अभी थोड़ा सा ही लगा है, तो बस अब 1.25 घंटा लगेगा इसको, जल्दी जल्दी से इसको लगा के फिर बंद करेंगे 12 को, फिर चलेंगे हम। हमारा पानी मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम 12 बंद करेंगे, क्यों मैं ये कमरे में आया हुआ हूँ 12 बंद करने के लिए। अभी बस बंद करते हैं, उसके बाद बीज गिराना है, क्यों पानी मुकम्मल होगा तो बीज गिराया जाता है। ये अभी बंद करेंगे हम, ये बंद हो चुका है अभी। सलाखे से रब ने निकाल दा सी, आज ये मसला बन गया अभी। अभी सवेरे मक्की वड़न चले गए, मक्की केड़ी साइड तो चलती पी अजकल लखे वाले इतों पीले साल पट्ठे लाए थे मशीन के, तो नहीं पता फिर अगू नहीं पता कट्ठे लाए थे मशीन के साल उठे आ गए। अच्छा ओह ही टोटा सी पट्ठे वाले राती वाडा है वो राती वाडी पई है साड़ी भी नजीर बाग ले गए? नहीं नहीं तो पिछले साल उधरों भी ले थे ना बरसीन। तकरीबन ईशा का टाइम हो चुका है, तो अभी मैं घर में आया हूँ, काफी टाइम लगा उधर मुकम्मल काम करवाने में, तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार।
अल्लाह हाफिज़।